वेलकम टू माय चैनल। अभी बजे शाम के 4:30। मैं बस अभी थोड़ी देर पहले घर आई जॉब से। आज एक्चुअली आते आते थोड़ा लेट हो गया। यूजुअली मैं घर 3:30 बजे आ जाती हूँ, पर आते ही सोचा यहाँ का पहला काम शुरू करती हूँ, उसके बाद जाके कपड़े चेंज करूँगी। तो आज सुबह में गई मैं, तो मैं जो कठोर की चौली आती है ना, आई एम नॉट श्योर उसका कोई और नाम है, तो पर वो मैं सोप करके गई थी। तो अभी बस वो प्रेशर कुक में कर रही हूँ और मेरे पास गुजराती करी लेफ्ट ओवर है, तो रोटी वगैरह बना दूंगी एंड देट विल बी आवर डिनर। क्योंकि आजकल मेरा वही चल रहा है, मेरे पास अभी ग्रॉसरी नहीं है तो ग्रॉसरी करने जाना है। और नॉट द लास्ट वीडियो, आई थिंक उसके पहले की एक वीडियो में मैंने शेयर किया था कि मेरे ये आगे के जो बर्नर है ना, दे वर एक्टिंग फनी एंड नाउ फाइनली दे गेव अप ऑन मी, दे आर नॉट वर्किंग एट ऑल। तो आगे के जो है ना वो बड़े वाले बर्नर है, पीछे के जो दो है वो छोटे है। तो अभी प्रॉब्लम मुझे क्या हो रही है कि ये प्रेशर कुकर है, फिर रोटी बनाते हैं तो तवा है, उसका बेस तो बड़ा होता है राइट। तो पीछे वाले जो दो बर्नर है ना वो छोटे है, तो वो कुक होने में टाइम लगता है। तो बस आजकल मेरा वही एक ड्रामा चल रहा है। और मैं इतनी यूज टू हूँ ना ये आगे के दो बर्नर यूज करने के लिए, एंड फाइनली दे जस्ट गिव अप ऑन मी। सो आई वाज लाइक मे बी स्टाफ इज टेलिंग मी कि अब थोड़ा यू नो खाना बनाना कम करो। तो कल और परसों एक्चुअली मैं गई थी लोज में जस्ट टू सी कि इफ आई कैन फाइंड एनी अदर डिसेंट स्टाव राइट। मुझे अब कोई फैंसी वगैरह नहीं चाहिए, क्योंकि डजेंट मैटर आप कितने भी रिसर्च करके लो, कितना भी करो, वो इतने लंबे टाइम तक चलते नहीं है। पता नहीं मेरे केस में ऐसा हुआ है, मम्मी के घर पे जो था ना वो तो कितने सालों तक चला, और वो तो मुझसे भी ज़्यादा कुकिंग करती थी, फिर भी वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं था, और यहाँ पे मुझे ये हो रहा है। तो वो बोले कि अभी द प्रॉब्लम इज द डिलीवरी राइट, अभी कोई डिलीवरी टाइम से हो नहीं रही है, तो इट माइट टेक मंथ और मे बी मोर देन अ मंथ। तो ऐसा ठीक है चलो, अभी दो तो मेरे चल रहे हैं ना, उससे मैं काम चला लेती हूँ, उसके बाद फिर देखेंगे। तो आजकल डिनर बनाने में थोड़ा यू नो टाइम लगता है, बट दैट्स इट। पहले यहाँ का काम ये थोड़ा शुरू कर दूँ, उसके बाद जाके मैं कपड़े चेंज करूँगी, अदरवाइज पहले आती मैं ऊपर जाके फ्रेश होके फिर नीचे आती हूँ, पर आज थोड़ा लेट हो गया। और आते आते डंकिन में से मैंने ये उनके जो नए आई थिंक इट्स रिसेंटली दे जस्ट इंट्रोड्यूस दिस टोस्ट, एवोकाडो टोस्ट विद सन ड्राई टमेटो। तो वन ऑफ माई सब्सक्राइबर एक्चुअली शी मेंशन इट बिकॉज शी ओन्स द डंकिन डोनट, सो शी टोल्ड मी शी इज लाइक आई एम वांटिंग टू ट्राई इट, आई एम श्योर यू लाइक इट। तो बस आते आते वो मैंने पिकअप किए, ये दो टोस्ट मैंने लिए और चॉकलेट क्रोसेंट बच्चों के लिए, एंड इट इज़ रियली गुड, आई वुड हाईली हाईली रेकमेंड। अगर आपको एवोकाडो पसंद है ना तो डेफिनेटली ट्राई करना, और मुझे समझाए टमेटो भी पसंद है, तो इट वॉज परफेक्ट कॉम्बिनेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर रेकमेंडिंग, इट वॉज रियली गुड। तो बच्चों का वो स्नैक्स हो गया, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं फटाफट यहाँ से थोड़ा काम ख़त्म करती हूँ। और मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली किचन मेरा मैस है, आजकल है ना सुबह में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि मैं प्रॉपरली कुछ करके जाऊँ, मैं बस ऐसे ही जो होता है वो छोड़ के जाती हूँ। एक्चुअली आई वुड से फ्राइडे इज द बेस्ट, क्योंकि फ्राइडे में मैं फ्राइडे 10 घंटे का मेरा होता है राइट। तो मैं जब आती हूँ उससे पहले मेरे हस्बैंड आ जाते हैं घर पे, तो वो आते हैं ना तो वो सिंक में जो भी बर्तन पड़े वो क्लीन कर देंगे, अगर हो सके तो डिश वॉशर एम्प्टी कर देंगे मेरे लिए। और द बेस्ट पार्ट अबाउट इट कि मैं जब घर से आऊँ ना तो चाय मुझे यहाँ पे गर्मा गर्म कप में निकाल के मिलती है, ऐसा नहीं है कि मुझे कप में निकालना है, सब कुछ तैयार होके यहाँ पे कप मेरे लिए रेडी होता है, दैट इज द बेस्ट पार्ट। क्योंकि आप एक तो 10 घंटे काम करके आते हो, घर आते हो तो पता ही होता है कि ये तो अपना जो काम है वो तो वहीं पे पड़ा है, वो तो जाके करना ही है, पर आके बस एक कप चाय मिल जाती है ना गर्म गर्म, दैट इज द बेस्ट थिंग। तो फ्राइडे में कितनी भी थकी हूँ ना, मैं ऑलवेज लाइक आई एम ऑलवेज इन अ गुड मूड कि मुझे पता है कि मुझे चाय घर पे जाके तैयार मिलेगी। तो आज तो वो नहीं है, आज मुझे ही करना है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड।
आप लोग मुझे हमेशा पूछते हैं कि इतनी एनर्जी मेरे में कहाँ से आती है, तो आई वुड से कि प्रॉपर डाइट इज अ मस्ट, ऑल्सो यू नीड टू टेक सम सप्लीमेंट्स, राइट? तो ये जो गोली के सप्लीमेंट्स है ना, ये मैं काफी टाइम से ले लेती हूँ और मेनी ऑफ यू ऑल्सो बॉट इट आफ्टर आई रेकमेंडेड. सो आई वुड हाईली हाईली रेकमेंड कि ये जो स्पेशली अश्वगंधा के गमीज है ना गाइस, यू विल स्लीप लाइक अ बेबी, आई गारंटी यू. मैं रात को ये जो सप्लीमेंट्स है ना मेरे, वो रात को मैं लेती हूँ, नेक्स्ट डे सुबह में मैं उठती हूँ और बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरी नींद इनफ नहीं हुई है, थकान है, ऐसा कुछ नहीं होता है. और वी ऑल नो राइट कि अश्वगंधा इज सो गुड फॉर अस. तो ये है, प्लस रिसेंटली दे केम आउट विद दिस चॉकलेट बाइट्स, दीज आर सो गुड. एक्चुअली माय किड्स आल्सो लव दिस. उनके ये जो सुपर फूड गमी है ये भी बहुत अच्छे है. और ये है एप्पल साइडर विनेगर. दिस एप्पल साइडर विनेगर गमी डजंट टेस्ट लाइक एप्पल साइडर एट ऑल. स्पेशली आपकी गट हेल्थ के लिए एप्पल साइडर इज सो गुड. और ये जो सुपर फूड गमी है ना, वो तो एज एज यू कैन सी मेरे पास 3-4 अंदर है, दैट्स अबाउट इट. और ये अश्वगंधा की बॉटल, आई वुड से ये मेरी फोर्थ, आई वुड से इट्स माई थर्ड बॉटल, आई वुड से एटलीस्ट दिस इज माई फोर्थ बॉटल. Highly, highly recommend, guys. So I do have the code for this, which I'm gonna mention it here also. I will link it down below in the description box. Check it out, and I guarantee you, it will definitely help you guys. तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बना रही हूँ बनाना ब्रेड. डिशेस वगैरह क्लीन करने के बाद सोचा कि पहले ये बना देती हूँ, उसके बाद फिर खाना बनाना शुरू करूँगी, क्योंकि बच्चे भी काफ़ी टाइम से बोल रहे थे और ये बनानास मेरे पास जो है वो भी ओवरराइप हो गए हैं. तो इसको तो बस ऐसे ही मिक्स सब कुछ करके ओवन में ही रखना है. तो जब तक ये होगा तब तक मेरा खाना भी हो जाएगा. तो बनाना ब्रेड की रेसिपी है ना, मैंने पहले शेयर की हुई है, तो वो वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूँगी. डेफिनेटली आप ट्राई करना. बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट ये बनाना ब्रेड तैयार होता है. ओवरली स्वीट नहीं होता है पर बहुत टेस्टी लगता है. और इस बार मैंने उसमें चॉकलेट चिप्स भी थोड़े ऐड किए थे, तो जैसे आप देख रहे हो काफ़ी सॉफ्ट बनता है. और अब आती है बारी खाना बनाने की. तो यहाँ पे जो चौली की मैं बात कर रही हूँ वो बना रही हूँ. उसके लिए पैन में ऑयल है, उसमें मैं मस्टर्ड सीड ऐड करूँगी, हींग, और यहाँ पे चॉप गार्लिक और जिंजर है मेरे पास, वो मैंने ऐड कर दिया है. इसको हम सौते होने देंगे जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड और सो. अगर आपको ऐसे पीसेस पसंद नहीं है ना, तो आप उसको क्रश करके भी ऐड कर सकते हो. मुझे ऐसे पीसेस पसंद है खाना, तो मैंने ऐसे छोटे छोटे पीसेस उसके ऐड किए. और यहाँ पे ये चौली की मैं जो रेड आती है चौली, उसकी मैं बात कर रही थी, तो प्रॉपरली कुक हो गई है. तो उसको रात को है ना मैंने सोक कर दिया था और सुबह में प्रेशर कुक कर दिया था. तो अब ये चौली उसमें ऐड कर दूंगी. उसके बाद जो नॉर्मल मसाले हमारे होते हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर हो गया, रेड चिली पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, सॉल्ट, बस पहले तो हमें जो नॉर्मल मसाले ना वो ही ऐड उसमें करने हैं. और उसका जो पानी है ना आप उसको बचा के रखो, क्योंकि जैसे ही हम इसमें ये मसाले ऐड करेंगे ना तो ये ड्राई होना शुरू हो जाएगा. तो मसाले जस्ट बिकॉज जल ना जाए हमें पानी उसमें थोड़ा ऐड करना पड़ेगा. तो इंस्टेड ऑफ जस्ट एडिंग रेगुलर वाटर, उसका जो वाटर बचा है बस वही हम उसमें ऐड कर देंगे. तो लास्ट में मैंने थोड़ी कसूरी मेथी और गरम मसाला भी ऐड किया. अगर आपके पास किचन किंग मसाला है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, उससे भी टेस्ट उसका बहुत अच्छा आता है. तो जैसे आपने देखा इसको बनाना बहुत इजी है. स्पेशली ऐसे दिन होते हैं ना कि जब हमारे पास कोई सब्जी वगैरह नहीं है, तो उस टाइम पे ये चौली आप राइस और रोटी के साथ सर्व कर सकते हो. मेरे पास लेफ्ट ओवर करी थी, प्लस मैंने राइस बना दिया था, रोटी थी, तो परफेक्ट डिनर हमारा तैयार हो गया.
तो ये टिप मैंने पहले शेयर की हुई है, पर जब भी ऐसा कुछ आप बॉयल करो ना, जैसे कि यहाँ पे कड़ी है, सुबह में हम चाय बनाते हैं, तो होता है कि अगर ध्यान नहीं है तो वो उबल के बाहर आ जाता है, पूरा गैस हमारा खराब हो जाता है। तो उसके लिए वुडन स्पैचुला उसके ऊपर आप रख दो, टेम्परेचर थोड़ा सा कम रखो तो वो बिल्कुल बाहर नहीं आएगा। सुबह में मैं जब भी चाय बनाती हूँ ना, हमेशा मैं उसके ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि सुबह में काफ़ी सारा काम करना होता है ना, तो कभी होता है, और फिर गैस क्लीन करना, उससे अच्छा कि उसके ऊपर बस ऐसे वुडन स्पैचुला रख दो तो वो बाहर बिल्कुल नहीं आता है। तो यहाँ बस मेरा किचन ख़त्म होते होते 8:30 बज गए थे, मैंने तारक मेहता चालू कर दिया। ये एक प्रोग्राम है ना, मैं हमेशा देखती हूँ, ये मिस नहीं करती हूँ। बाय दिस टाइम एक्चुअली आई शुड बी डन विथ माय किचन। बस फिर उसके बाद मैं किचन क्लीन करके चाय लेके शांति से बैठती हूँ, और ये और उसके बाद जो वागले की दुनिया आती है ना, वो दो शो मुझे पसंद है। तो यहाँ चाय मेरी तैयार है, जैसे आप देख रहे हो इट्स ऑलरेडी 8:50, और खाना भी मैंने सब कुछ अभी यहाँ पे बाहर रखा है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद फिर मैं फ्रीज में रख दूंगी। और आजकल ये जो मैं नाइट क्रीम घर पे बनाती हूँ ना, उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है देन दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। उसके लिए थोड़ा मैंने ग्लिसरीन लिया है, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ कोकोनट ऑयल। ये दोनों चीज़ों को पहले हमें बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है, और उसके बाद उसमें मैं ऐड करूँगी लेमन जूस। उसके लिए लेमन फ्रेश यूज़ करना है। तो लेमन जूस से क्या होगा कि अगर फेस पे कोई भी हाइपर पिगमेंटेशन है, कोई डार्क स्पॉट वगैरह है ना, तो वो धीरे धीरे लाइट होता जाएगा, और ऑफ कोर्स आफ्टर सर्टन टाइम इट विल गो अवे टू। और फेस का जो पीएच लेवल होता है ना, वो ये लेमन जूस से बैलेंस होगा। और ऑफ कोर्स ये जो ग्लिसरीन और कोकोनट ऑयल है, उससे भी स्किन काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है। तो आजकल बस मेरा यही होता है कि रात को सब कुछ ख़त्म करने के बाद ये मैं लगाती हूँ चाय लेके शांति से बैठ के, फिर मुझे जो काम मेरा यूट्यूब का करना होता है ना, वो मैं रात को करती हूँ। तो ये लगाने के बाद जो फेस रोलर आता है वो मैं यूज़ करती हूँ, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूँगी मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ वो। तो उससे क्या होता है कि फेस पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, प्लस कभी होता है ना कि आईज हमारी पफी हो जाती है वगैरह, तो वो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं रहता है। तो इसको मैं फ्रीज़र में रखती हूँ ताकि वो ठंडा रहे, और ये जो क्रीम हमने लगाया ना, तो वो प्रॉपरली ऑब्जर्व भी हो जाता है स्किन में इस रोलर को यूज़ करने के बाद। तो डेफिनेटली आप ये ट्राई करना, लाइक आई से कि अगर आपकी स्किन ड्राई है देन दिस विल हेल्प यू अ लॉट। मेरी स्किन वैसे नॉर्मल है, पर ऑफ कोर्स विंटर में ड्राई हो जाती है, तो मैं विंटर में स्पेशली ये क्रीम यूज़ करती हूँ। पहले भी यूज़ करती थी, फिर काफ़ी टाइम छोड़ दिया था, पर आजकल मैं यूज़ करती हूँ। लास्ट आई वुड से 2 महीने से मैं यूज़ कर रही हूँ, एंड देन आई एम रियली एंजॉयिंग। सो दैट्स इट, अब चाय लेके बैठती हूँ और आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, एंड आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।